दोस्तों ये है ऑनर का नया स्मार्टफोन ऑनर 200 हंड्रेड प्रो ये जो स्मार्टफोन है ये अमेजान पर लिस्टेड है इसका जो प्राइसिंग है यह है तकरीबन 58,000 एट के आसपास ट्वेल्व जी बी रैम और फाइव हंड्रेड स्टोरेज स्पेस के साथ में अभी जो है इसकी खासियत यह है कि ये स्नैपड्रैगन 8s एस जन थ्री पावर्ड है इस पर एमोल डिस्प्ले यूज़ किया गया है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है ये एक्चुअली डुअल कैमरा सेटअप है चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस कैसा है देखते रहिए तो बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है अब ये अलग अलग कलर ऑप्शन में अवेलेबल है ये ओशन सी कलर वेरियंट है और देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये यूनिक टाइप का टेक्स्चर दिया हुआ है ओशन के जो वेव्स होते हैं उनकी तरह है काफ़ी अमेजिंग दिखता है और जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी अलग है ये देखिए कर्व डिज़ाइन है बैक भी कर्व है और जो फ्रंट स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है काफ़ी बढ़िया दिखने वाला स्मार्टफोन है बॉक्स में इसके अलावा ये है सिम ट्रे एजेक्ट पिन ये कुछ बुकलेट्स ये है सिलिकॉन केस आपको ये चार्जर भी मिलता है 100 वॉट का और ये है यूएसबी टू टाइप सी केबल तो डिज़ाइन इसका काफी बढ़िया है जैसे कि मैंने कहा कभी बॉडी हैंड फील अच्छा है ये थोड़ा सा भारी है बैटरी भी इसकी काफी बढ़िया है लेकिन उसके पहले जो स्क्रीन है उसकी बात करते हैं जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है 6.78 पॉइंट का डिस्प्ले है ये एमोल डिस्प्ले है टू डबल सेवन जीरो बाई वन डबल टू फोर पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ में आता है और ये देखिए डिस्प्ले में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जो रिफ्रेश रेट है ये वन ट्वेंटी मैक्सिमम सपोर्टेड है ये ओ एस एस आई प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है ये कुछ यूनिक फ़ीचर है जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं डायनेमिक डिमिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये थ्री एट फोर जीरो हर्ज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पी डब्ल्यू एम डिमिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है आई कंफर्ट के लिए ये जो ऑप्शन है काफ़ी बढ़िया है अब देखिए इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक तो है फोर थाउजेंड नेट्स ब्राइटनेस धूप में ये जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है प्लस स्टीरियो स्पीकर्स और ये नेटफ्लिक्स एच सपोर्ट के साथ में भी आता है अगर आप ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स पर इस पर आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्वाड कर्व डिस्प्ले है वेट टच एनहैंसमेंट सपोर्ट के साथ में आता है मैजिक मैजिकोवाइस रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जो कि एंड्रॉयड फोर्टीन पर बेस्ड है ये मैजिक पोर्टल फीचर के साथ में भी आता है जो कि ये जो टेक्स्ट है मार्क करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है तो यहाँ पर मैं आपको एक्जैक्टली exactly बताता हूँ कि ये जो मैजिक पोर्टल है ये किस तरीके से काम करता है तो मैंने ये जो टेक्स्ट है इसे मार्क किया हुआ है टैप एंड होल्ड और ये देखिए जो मैजिक पोर्टल है ये एक्टिवेट हो गया है मैं इसे यहाँ पर लेके आता हूँ वेट करिए और ये देखिए किस तरीके से जो एनिमेशन है ये चेंज हो गया है प्लस आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं नोट्स uh, या अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ इसे तो ये नोट्स में ये जो टेक्स्ट है ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा तो बहुत ही ईजिली आप जो कॉन्टेंट है उसे शेयर कर पाएंगे मैजिक कैप्सूल का भी ऑप्शन है ये वैसा ही फीचर है जैसा कि हमने आईफोन्स पर देखा है तो यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एनिमेशन मिलने वाला है ये देखिए ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन ऑनर ने लॉन्च किया है देखिए हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें क्वलकॉम स्नैपड्रैगन एट एस जेन थ्री प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये है रेजोल्यूशन और रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 50 प्लस ट्वेल्व मेगा जो कैमरे का मॉड्यूल है ये देखिए इस टाइप का है इस पर एल पी डबल डी आर फाइव एक्स रैम है और यू एफ एस थ्री पॉइंट एक्स स्टोरेज है ट्वेल्व जी बी रैम प्लस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व जी बी स्टोरेज तो मैं स्टोरेज टेस्ट करता हूँ तो ये देखिए ये स्कोर मुझे मिला हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड मैंने जो एन टू टू बेंच मार्क रन किया था मुझे ये स्कोर मिला हुआ है तो स्नैपड्रैगन एट एस जेन थ्री काफ़ी पावरफुल है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है इनफैक्ट इस पर आप आसानी से गेम्स भी खेल पाएंगे मैं आपको थोड़ा सा गेम खेल के दिखाता हूँ वैसे यहाँ पर देखिए ये गेम मैनेजर फीचर के साथ में भी आता है जो कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इसे इनहेंस करने वाला है ये देखिए ये है गेम मैनेजर और यहाँ पर आप डू नॉट डिस्टर्ब या फिर जो मिस टच प्रिवेंशन है गेम फिल्टर्स हैं इन्हें आप एक्टिवेट कर सकते हैं इसे देखिए जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी हद तक एनहेंस होने वाला है मैं इस पर ये जो गेम खेल रहा हूँ वर्ल्ड वॉर हीरोज़ ये काफ़ी डिमांडिंग गेम है और इस पर ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है काफ़ी स्मूथली चल रहा है इस पर आप डेफिनेटली इस टाइप के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे और आज के तारीख़ में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स मार्केट में आए हुए हैं इनका जो थर्मल मैनेजमेंट है ये काफ़ी बढ़िया हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक डेप्थ सेंसर है 2 मेगापिक्सल का ये है कैमरे का इंटरफेस यहाँ पे देखिए फोटो में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है टू और मैक्सिमम ये फिफ्टी तक ज़ूम इन कर सकता है और ये देखिए ये सारे ऑप्शंस है ए आई फोटोग्राफी का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इमेजेस को एनहेंस करने वाला है पोर्ट्रेट में आपको 1x, 2x और 2.5x का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी ग्रुप फोटो इनहेंस और यहाँ पर ये देखिए कोट कलर्स वाइब्रेंट कलर और ये है क्लासिक ये जो लुक एंड फील है काफ़ी हद तक चेंज करता है आपको एक तरह से जो प्रोफेशनल कैमरा है उसके जैसा आउटपुट मिलता है नाइट मोड है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए अपोचर मोड है जो कि जो सब्जेक्ट है उसे एनहेंस करता है बैकग्राउंड को ब्लर करके तो इसे भी आप यूज़ कर पाएंगे जो है अपर्चर वैल्यू है आप यहाँ से सेटअप कर पाएंगे वीडियो में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं मैक्सिमम ये 4K में वीडियोस शूट कर सकता है ए का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि अगेन इमेजेस या जो वीडियोस है उसे एनहेंस करता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है जैसे कि यहाँ पर इसने डिटेक्ट किया है कि मैक्रो मोड एनेबल होना चाहिए तो वीडियो में मैक्रो मोड यहाँ पर एनेबल हो चुका है काफ़ी बढ़िया मैक्रो ये शूट कर रहा है बोके का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होगा वीडियोज़ में और ये है मल्टी वीडियो ऑप्शन जिसमें फ्रंट कैमरा एज वेल एज़ जो रियर कैमरा है दोनों यूज़ होता है तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है एक्सीलेंट लेवल की है ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई प्रोफेशनल क्लासिक कैमरा यूज़ किया है ये है कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी बढ़िया शूट करता है ये है लॉन्ग शॉट डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर मैंने जो जूम फ़ीचर है उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है ये मैक्सिमम जूम यहाँ पर भी मैंने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स शूट करने की कोशिश की है जो अलग अलग मोड्स अवेलेबल है उसे यूज़ करके ये देखिए बैकग्राउंड ब्लरिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से करता है अगेन जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है उसे आप सेटअप कर सकते हैं कितना चाहिए आपको और ये देखिए ये जो ब्लैक एंड वाइट एंड अन्य कलर ऑप्शनस है उन्हें यूज़ करके शूट किया हुआ है अमेजिंग क्लैरिटी स्किन टोन्स भी काफ़ी बढ़िया है और एज डिटेक्शन भी इसका काफ़ी बढ़िया है तो एकदम प्रोफेशनल लेवल्स के फ़ोटोज़ ये शूट करता है कुछ फोटोज़ मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था ये देखिए कुछ और शॉर्ट्स लोलाइट भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है एंड ये कुछ मैंने क्लोजअप शॉट्स शूट किया है कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है बैटरी बैकअप आपको काफ़ी बढ़िया इस पर मिल जाएगा 5200 थाउजेंड की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है तो ये काफ़ी यूनिक स्मार्टफोन है जो कि आप अमेज़न से खरीद सकते हैं इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 58,000 एट के आसपास है लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है देखते रहिए